झुलस गया लो ज्वाला ज्वाला आ गए कांटे ही के ढेर में वो खेर जीव जन्म का लो जल गया धुआं हुआ लो स्वाहा स्वाहा। आज हम बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज फिल्म लाल कप्तान की, जिसे डायरेक्ट किया है मनोरमा सिक्स फीट अंडर और NH10 फेम डायरेक्टर नवदीप सिंह ने। फिल्म की कहानी 18वें शतक की शुरुआत की है। एक नागा साधु जो सैफ का कैरेक्टर है, फिल्म में सभी उसे गोसाई कहकर बुलाते हैं। इस गोसाई के लाइफ का एक ही मकसद है, बदला लेना उससे जिसने उसके पिताजी को गद्दारी से मारा है। सैफ का कैरेक्टर अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या वो अपने दुश्मन को मारने में कामयाब होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस की। फिल्म में मुख्य भूमिका सैफ की है, जो नागा साधु बने हुए हैं। उन्होंने अपना किरदार बखूबी से और पूरी जान लगाकर निभाया है। फिल्म में हमें एक बार भी नहीं लगता कि वो नागा साधु नहीं है। इस रोल के लिए सैफ ने मेहनत भी खूब की है। सेक्रेट गेम्स के बाद ये सैफ की पहली फिल्म है। अब सैफ अच्छे रोल चुन रहे हैं और अच्छे रोल निभाना भी चाह रहे हैं। दीपक डोबरियाल की स्क्रीन प्रेजेंस भी हमें भा जाती है। वो फिल्म में एक जासूस बने हैं। उनका रोल कॉमेडी रिलीफ के लिए ही फिल्म में रखा गया है, ऐसा ही लगता है। दीपक ने इस कैरेक्टर को बखूबी से निभाया है। इनके अलावा फिल्म में मानव विज जो बने हैं विलेन रहमत खान, जोया हुसैन, सिमोन सिंह, सभी अपने रोल को अच्छा निभाया है। सभी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, वो बिलीवेबल लगते हैं। फिल्म में नीरज कवि और सोनाक्षी सिन्हा का भी छोटा सा रोल है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है नवदीप सिंह ने। उन्होंने इससे पहले दो फिल्में बनाई हैं, मनोरमा सिक्स फीट अंडर और NH10। उनका डायरेक्शन इस फिल्म में भी बेहतरीन है, पर ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है। स्टोरी कभी कभी प्रिडिक्टेबल लगती है, पर ओवरऑल ठीक ठाक है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है शंकर रामन ने और म्यूजिक दिया है समीरा कोपीकर ने। फिल्म में 18वीं सदी का माहौल बनाना चैलेंजिंग था, पर इस फिल्म की घटनाएं उस सदी की लगती है। फिल्म का आर्ट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स रिसर्च कर बारीकियों पर ध्यान देकर बनाया गया है, जो कि इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पायरेट्स की तरह नहीं लगी। उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मुलेटिक सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने से बेहतर इस तरह की फिल्म बनाना है। फिल्म में खासकर सैफ और दीपक की टॉप क्लास एक्टिंग है। फिल्म में बेवजह के गाने और म्यूजिकल ब्रेक्स नहीं रखे गए हैं, जो मूवी के पेस को तोड़ते हैं। एक ही गाना जो तांडव का है वो कुछ सेकंडों के लिए ही बचता है। फिल्म में एक सस्पेंस भी है जो आखिर में खुलता है। तो ये सारी फिल्म की खूबियां थी। फिल्म बनाने वालों की मेहनत, बहाया हुआ पसीना, दिया हुआ समय, इन सारी चीजों को याद रख हम कुछ खामियों पर बात कर सकते हैं। फिल्म में के अंग्रेज अफसर इस फिल्म में भी हिंदी में बात करते हैं। फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल लगती है। फिल्म की तीसरी खामी शायद बजट का इशू हो सकता है, पर फिल्म उस ग्रैंड लेवल पर दिखाई नहीं देती। सैफ अली खान के कैरेक्टर को छोड़ किसी भी कैरेक्टर के डेवलपमेंट की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें डेप्थ में नहीं दिखाया गया है। फिल्म तभी अच्छी बनती है जब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस मिले, फिल्म की कहानी में उनका भी अहम योगदान हो। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हो और अलग अलग जॉनरा की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म भी आप एंजॉय करोगे।